हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पत्ता गोभी के पराठे बनाने बताऊंगी। पराठे हम इतने शानदार बनाएंगे जो बाहर जाकर आप मोमो चाउमीन वगैरह खाते वो नहीं खाएंगे, घर पर पत्ता गोभी के पराठे ही बनाएंगे। एकदम हम इसको भर के बनाएंगे। मैं इसको काट के दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कितना मसाला डाला है, सारी ट्रिक भी बताऊंगी। पूरा मैंने इसमें खूब सारा मसाला डाला है। आप भी ये पराठे आसानी से घर पर बनाएंगे और साथ में गाजर के अचार के साथ सर्व करेंगे। अगर गाजर की भी अचार की रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए पराठे बनाने हम शुरू करते हैं। पत्ता गोभी का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पत्ता गोभी लिए, इसके एक दो पत्ते ऊपर से हटाकर अच्छे से साफ करके लिया है। अब सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे, जिससे हम सब्जी बनाते हैं उससे भी हमें छोटे टुकड़े में कट करना है, क्योंकि हमें इसके पराठे बनाने हैं। सारी गोभी को हम सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। गोभी को मैंने काट लिया है एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ही हमें गोभी को यहाँ कट करना है। अब इसके ऊपर मैं 2 चम्मच नमक डाल दूंगी। नमक को हम गोभी में मिक्स कर लेंगे। अगर आप भी इस तरह से पराठे बनाएंगे तो एकदम शानदार पराठे बनकर तैयार होंगे और बनाने भी एकदम आसान होंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। पत्ता गोभी को रखे हुए 10 मिनट हो चुकी है और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो पूरा निकल चुका है। अब हम एक साफ कॉटन का कपड़ा लेंगे, कपड़ा हमें कॉटन का ही लेना है, और जो हमारी पत्ता गोभी है सारी कपड़े पर डाल देंगे। इस तरह से पराठे बनाने बहुत आसान है, कोई भी इसका पराठा आसानी से बना पाएगा। अब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा हम निचोड़ कर निकाल लेंगे। इसमें खूब सारा पानी होता है। सारी पत्ता गोभी को मैंने अच्छे टाइट हाथों से निचोड़ लिया है और देखिए फ्रेंड्स कितना सारा पानी इसमें निकल चुका है। ये एक्स्ट्रा पानी निकालना हमें बहुत जरूरी है, तभी हम आसानी से पराठे बना पाएंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और जो भी पत्ता गोभी को हमने निचोड़ लिया है वो सारी हम बाउल में डाल लेंगे। इसको अच्छे से खोल लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने 2 छोटे प्याज लिए थे जो मैंने बिल्कुल बारीक काट लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्ची, हरा धनिया और हरी मेथी के जो पत्ते लिए हैं, ये ऑप्शनल है, इसे डालने से टेस्ट अच्छा हो जाएगा। आप भी इसको डालकर बना सकते हैं। सारी चीज़ों को हम पत्ता गोभी में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधी चम्मच मैंने यहाँ मैगी मसाला लिया है। इस मसाले के सिवाय इसमें हम लाल मिर्ची का पाउडर और ऐड करेंगे, जो आधी चम्मच भरकर मैं कर रही हूँ। बाकी हमें कोई मसाला इसमें नहीं डालना है, क्योंकि पत्ता गोभी का स्वाद होता है जो सभी को पसंद आता है, और मैगी मसाला डालने से सारे मसालों की ये पूर्ति कर देगा। नमक हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हम नमक इसमें पहले ही खूब सारा काम में ले चुके हैं। अब हम इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा छान कर लिया है। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और पानी हमें गुनगुना काम में लेना है। ठंडे पानी से आटा हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सॉफ्ट आटा लगाकर हम तैयार करेंगे, नहीं तो पराठे हमारे अच्छे से नहीं बन पाएंगे। पराठे हम जब भी बनाते हैं, भरुआ पराठे किसी भी प्रकार के, उसको हम सॉफ्ट आटा लगाकर ही तैयार करना चाहिए, तभी आसानी से पराठे बन पाएंगे। अब हम आटे को लगा लेते हैं पहले अच्छे से मसल कर। आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है, एकदम सॉफ्ट आटा ही लगाना है, तभी हमारे पराठे जो परफेक्ट बनेंगे। अब हम जितनी चपाती बनाते हैं उससे हमें डबल आटा लेना है, क्योंकि हमें पराठे भरुआ बनवाने हैं। सूखे आटे में अच्छे से लपेट लेंगे डो को। अब हम इस डो को बेल लेंगे जो हमने लोई बनाकर तैयार की है, और ज़्यादा रोटी का जितना बड़ा हमें बिल्कुल भी नहीं बेलना है। हल्के हाथ से हम थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। अब जो हमने मसाला बनाया है पूरा भर के पराठा हम बनाएंगे। मैं यहाँ 2 चम्मच मसाला डाल रही हूँ, तभी पराठे अच्छे लगते हैं, मसाला अच्छा सा हो। अब हम इसको ऊपर से दोनों साइडों को मिलाएंगे, अच्छे से हम इसको दबाते हुए सील लेंगे। ऐसे करने से हमारा पराठा है जो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और सारे पराठे को नीचे से ऊपर करते हुए हम साइड में इसको ऊपर से अच्छे से कर लेंगे और इसको हल्के हाथों से दबाएंगे। अब हम एक बार इसको फिर से सूखे आटे में लपेट लेंगे, उंगलियों से हम हल्का हल्का दबाएंगे
और अब इसको बेलन से हल्के हाथों से बेलेंगे। हमारा पराठा ना कहीं से फटेगा और ना ही ये टूटेगा, और मसाला भी एकदम शानदार हमने 2 चम्मच पूरा भरा है इसमें। पराठा हमारा अच्छे से बिल चुका है, एकदम गोल बिला है और ये कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं है। पराठे हमें ऐसे ही बेल कर तैयार करने। अब हम इसको गर्म तवे पर डाल देंगे। तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है, पराठे को हम तवे पर डाल देंगे। एक तरफ से पराठा सिक चुका है, अब हम इसको पलट देंगे और ऊपर से हम इसको घी लगाएंगे। घी हमें पलटने के बाद ही लगाना है, तवे पर हम घी नहीं डालेंगे। अच्छे से इसमें घी लगा देंगे क्योंकि पराठा गर्म है, घी पिघल जाएगा ऊपर लगने से। एक बार सिकने के बाद दूसरी तरफ से भी हम पलट देंगे और गैस को मीडियम टू लो रखेंगे। एकदम हाई फ्लेम हम गैस का नहीं करेंगे, नहीं तो पराठे हैं जो क्रंची नहीं दिखाई देंगे और जले जले हो जाएंगे। पराठा बनाने के लिए मीडियम टू लो गैस को ही रखें। अब इसको बार बार अलग पलट कर हम सेक लेंगे। मैं यहाँ हाथों का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच को से पलट सकते हैं। पराठे हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, ये दोनों तरफ से एक जैसे ही सिकाई हुई है इसकी, और हम ऐसे ही पराठे बनाकर तैयार करने हैं। अब हम इसको डायरेक्ट एक प्लेट में निकाल लेंगे गर्मा गर्म सर्व करने के लिए, और ऐसे ही हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे पराठे को बनाकर हमने तैयार कर लिया, एकदम बढ़िया से पराठे बनकर तैयार हुए। तोड़कर तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ कि हमने मसाला कितना चूस चूस के भरा है। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।